कविराज कहते हैं कि जैसा दिखता है वैसा ही जीव ग्रहण करता है, वो उद्गल का स्वभाव है। क्या है? उद्गल का स्वभाव। तो देखना और ग्रहण करना, ये क्या है? क्या हम जैसा देखते हैं वैसा करते हैं? नहीं, सीखते हैं, बाद में बीज डालते हैं, फिर क्या आता है? तो आज जो दिखता है वो आज हम करते नहीं है। हम तो पद गा लेते हैं, मीनिंग नहीं मालूम। गीता पढ़ लिया, मीनिंग नहीं मालूम। आगम पढ़ लिया, मीनिंग नहीं मालूम। रामायण पढ़ लिया, मीनिंग नहीं मालूम। मीनिंग नहीं मालूम। तो कहने का मतलब यह है कि हर बातों का मीनिंग हमको मालूम होना चाहिए। और यही मैंने कहा ना कि जो सॉफ्टवेयर मिस्टेक कहाँ होती है? कोई भी बात संबंधी में मिस्टेक सॉफ्टवेयर में होती है। हमको ये करना है, हमको ये करना है, हमको ये करना है। उन्होंने किया तो मेरे को ये करना है, मेरे से क्यों नहीं होता है? ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुदरत क्या कहती है कि यू करेक्ट योर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या करेक्शन करना है? क्या आपको जो करेक्शन करना है, यू आर राइट टू करेक्ट इट, बट इन अ सॉफ्टवेयर, नॉट इन अ हार्डवेयर। और हार्डवेयर में करेक्शन करना वही डुअरशिप है, इसका नाम अज्ञानता है। एंड दे क्रिएट सो मेनी पजल इन अवर लाइफ। कहने का मतलब यह है कि हमारी जो दृष्टि है उसमें पहले साइंटिफिक विजन होना चाहिए कि आखिर हमारी एबिलिटी कहाँ है और कहाँ नहीं है। पहले इतना क्लियर करो। स्पीड की जरूरत नहीं है, परफेक्शन की जरूरत है। क्या है? स्पीड की जरूरत नहीं है, परफेक्शन की। तो कहने का मतलब है हर बात के अंदर पहले सोचो कि हम अपने मन वचन काया से कुछ कर सकते हैं। श्वास भी अपनी मर्जी से ले सकते हैं, बंद कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो मन वचन काया चला नहीं सकते हैं। मन वचन काया की जो भुगतान आती है वो संजोग हम खड़ा नहीं कर सकते। हम तो सफरर है, हम क्रिएट नहीं करते हैं सुख दुख के संजोग। हम क्रिएट, हम तो सफरर है, हमको तो नहीं चाहिए। तो पहले समझो कि इस पैकेज के अंदर और इस पैकेज की अवस्था के अंदर उसमें तीन प्रकार की अवस्था है। एक मन के लेवल की विचारों की अवस्था, एक स्पीच की अवस्था और दूसरी एक्शन और उसके साथ जुड़े हुए सर्कमस्टेंसेस, वो भी एक्शन है। तुम्हारी एक्शन है या सामने वाले की एक्शन है, तुम्हारी भाषा है या सामने वाले की है। तो ये पूरा पैकेज जो है, ये पैकेज के अंदर कोई जगह पे कुदरत ने हमको फ्रीडम दिया है। पहले ये समझो। तो साइंस समझने के लिए पहले प्रिंसिपल को दृष्टि में पक्का करो। हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अगर जहां कर सकते हैं तो फिर ऐसा मत कहो कि मैं करना चाहता हूं फिर होता नहीं है, ऐसा मत बोलो। फिर अगर मन वचन काय के कंट्रोल है तो फिर ऐसा मत कहो कि मेरे को खराब विचार आते हैं भी। इफ यू आर कंट्रोल देन स्टॉप इट। दो भाषा मत बोलो, कंट्रोल हो भी पर नहीं हूं भी, ये भाषा नहीं बोलो। दे क्रिएट द पजल। प्रिंसिपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जबान हम बोल सकते हैं, क्या फ्रीडम है हमारे पास कि संजोग के अधीन निकलती है? संजोग
संजो किसने खड़ा किया? क्यों? तो कहने का मतलब यह है कि पहले समझो, हमको जल्दबाजी नहीं करना है। ये डोरशिप का मार्ग नहीं है, उन्होंने कर लिया मैंने नहीं किया, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये रिलेटिव ट्रूथ है क्या है। और इसमें सब पड़े हुए कंपटीशन एंड कंपैरिजन। आखिर वास्तविकता समझने की कोशिश करो कि क्या हम बोलने की फ्रीडम हमारे पास है। कई लोग कहते हैं हाँ हम सोच के बोल सकते हैं, हम अपनी मर्जी से बोल सकते हैं, ऐसा इगोइस्टिक व्यक्ति ऐसा कह सकती है कि हम कर सकते हैं है। मगर आपकी हर जबान डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस है, इट इज नॉट योर इंडिविजुअल एबिलिटी। जब बच्चे होते हैं तो उनके पास बोलने के लिए पावर करते हैं, सांस होती है तो चुप हो जाते हैं, यू हैव अ नॉलेज बट द वर्ड इज चेंज, यस और नो, सो योर वर्ड इज डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस और इन योर कंट्रोल। संजो अब समझे, हर बात के अंदर संजोग ही आपका कंट्रोल करता है। और संजोग क्यों बना? क्योंकि पिछले अवतार के कर्मों का फल है, तो उसमें चॉइस। राम को भी दीक्षा लेनी थी, बड़े भाई भाभी ने मना कर दिया, नहीं ले सके। संजोग महावीर महावीर को, फिर महावीर को कान में किला लगाया। संजोग चॉइस होती है, कोई भी जगह चॉइस है। राम महावीर को जब वारने के लिए जाने, 6 महीने तक योग्य आहार जो उसकी सोच के मुताबिक था, अभिग्रह के मुताबिक, वो नहीं मिला। यह ना उसकी चॉइस है, महावीर की भी चॉइस है। देखो किसके पास चॉइस है? राम के पास चॉइस थी कि सीता को ले जाए कि ना ले जाए। कृष्ण के पास या अर्जुन के पास चॉइस थी कि मैं युद्ध करूं या ना करूं? किसी के पास कोई चॉइस नहीं। तो हमको ये बात समझना है कि हमारे पास चॉइस कहाँ है। ये मन वचन काय में तो चॉइस है ही नहीं, तो फिर इसके लिए ज्यादा से ज्यादा विचार आए वो एक अलग बात है, मगर हमको इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होने होकर सोचने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी एक सवाल पूछ, आप जो कहते हैं चॉइस नहीं है, आपने कहा हमने माना वो एक बात है, पर ये आपके सारे फॉलोअर्स मान लेते हैं, कोई थर्ड पार्टी वो तो इस बात को नहीं मानेगी कि बिल्कुल भी चॉइस नहीं है। आप जो कह रहे हो वो पार्शियली ट्रू है, कुछ मामलों में चॉइस नहीं है और कुछ मामलों में चॉइस है ऐसा हमको लगता है। आप कैसे कहते हैं कि चॉइस नहीं है? मेरे को ये सवाल पूछना था, ये मेरे को चॉइस है। अब संजोगों के अधीन है तो संजोग के अधीन है, और संजोगों के अधीन दो बात है, मैं पूछूं और मैं नहीं पूछूं, यही संजोग है। और फिर भी मेरे को पूछने की इच्छा हुई, मैंने पूछा, तो ये मेरे को स्वतंत्रता है। अब राम वनवास नहीं टाल सकते, कुछ चीजें नहीं टाल सकते, कुछ उनके अधीन नहीं है, वहां उनका जोर नहीं चला और कुछ जगह पे जोर चलता है। ये बात अगर इस तरीके से स्वीकार करें तो क्या इतना दे? फिर क्या होगा? उसको प्रिंसिपल नहीं कहेंगे, रिलेटेड ट्रुथ कहेंगे। इसमें ड्यूअलिटी होती है, कर भी सकते हैं नहीं, वो प्रिंसिपल नहीं रहेगा। सिद्धांत के ऊपर फिर ड्यूअलिटी नहीं होती है, और श्रद्धा में रिलेटिव सत्य में ड्यूअलिटी होती है। आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, वो ड्यूअलिटी किस में होती है? श्रद्धा में, रिलेटिव सत्य में। सनातन सत्य में ड्यूअलिटी नहीं होती। आप प्रिंसिपल पे जाओगे तभी तो समझ में आ जाएगा कि हमारे पास चॉइस है। कुछ भी है कि मैंने पिछले जन्म में जो कॉज डाले उसके हिसाब से मैं अभी बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, ये निर्धारित हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हर ब्रीथ के साथ आपका मन वचन काया का एक्शन जुड़ा हुआ है, इससे ब्रीद और लाइफ बना है।
लाइफ रैंडम नहीं बना है। ब्रीद के 10 लाख ब्रीद मेरे को मिले, बड़े बड़े काम करता हूँ और बीच में मेरे को गैप मिलता है, वहां पे मैं कुछ नहीं कर रहा होता, चुपचाप बैठा हूँ, समझ गए, वहां पे चुपचाप बैठू या 2-4 शब्द निकालू, उससे ब्रीद की संख्या में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे तो मेरे को चॉइस मिल ही होती। नहीं होता है ऐसा, हर ब्रीद के साथ आपका सफरिंग जुड़ा है, ब्रीद के साथ ही सफरिंग जुड़ा है, बिना सफरिंग ब्रीद नहीं होते हैं। हर कर्मों के भुगतान के लिए जितना ब्रीद चाहिए वो टोटल ब्रीद आपको पैदा होने से पहले दे दिया इन योर क्रेडिट, और उसका दूसरा नाम है आयुष्य कर्म। क्या है? आयुष्य कर्म, ठीक है। अभी समय समय पे मन वचन काया अपना रोल निभाता है, तो कोई ऐसी समय नहीं है कि जहां मन वचन काया तीनों का रोल ही नहीं है, इसमें कोई पार्टी ऐसा नहीं है। हम मानते हैं जरूर कि हम रिलैक्स हो गए, वो अवस्था के अधीन, जब कोई शारीरिक मानसिक आर्थिक टेंशन नहीं है तो हमको लगता है कि रिलैक्स हो गए, मगर ऐसी अवस्था कोई फ्रीडम वाली नहीं है हर व्यक्ति के पास। तो ये मन वचन काया तो अपने आप ऑटो मोड से चलता रहेगा, इसके पीछे जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है इसके पास फ्रीडम है सोचने की, मगर इसके पास ये मन वचन काया चलाने की या बदलने की फ्रीडम नहीं है, यानी उसके पास इसका कंट्रोल नहीं, वो नया लाइफ बनाने का इंस्ट्रूमेंट है, नया मन नया वचन नई काया बनाने का इंस्ट्रूमेंट है, इससे बनेगा और ये पुराना डिस्चार्ज होता है, ये मैकेनिकल प्रोसेस है। एवरी ब्रीथ इज टोटली डिसाइडेड विदाउट अवर चॉइस। फिर तो नया बनाने की भी काम फ्रीडम में है, जैसे आपने दिया वो ज्ञान मेरे पास में नहीं है, कॉज में डाल रहा हूँ, हर कोई डाल रहा है, ज्ञानी भी डाल रहा है, ज्ञानी भी डाल रहा है सब, जब कॉज डाल रहा हूँ तब मैं कॉन्शियसली इस तरीके से कॉज नहीं डाल रहा हूँ कि अगले जन्म में मैं जब इंसान बनूंगा तो ये बोलूंगा ये नहीं बोलूंगा, पैर हाथ ऊंचा करूंगा, ऐसे कमर मोड़ूंगा, ऐसे झगड़ा करूंगा, ऐसे शांत बैठा रहूंगा, ये तो मैंने कुछ डिसाइड किया नहीं, सोचा नहीं, तो ये सब वहां पे भी मैं सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा हूँ, कॉज डाल रहा हूँ या नहीं डाल रहा हूँ, कोई और फैक्टर डिटरमाइन कर रहा है, डिसाइड कर रहा है कि क्या क्या मिलेगा आगे। तो एक संयोग को रिजल्ट में लाने के लिए सूक्ष्म संयोग बहुत सारे होते हैं तभी रिजल्ट आता है, वन सर्कमस्टेंसेस नहीं, रिजल्ट मिलना वो आपका अल्टीमेट है। प्रोसेस कोई भी हो सकती है और वो भी कुदरती रचना है। जैसे एग्जांपल दो, एक व्यक्ति का 24 दिसंबर शाम को 5 बजे इस जगह पे एक्सीडेंट होने वाला है, ये डिसाइडेड है, ठीक है। इसके लिए जिसको लगना है उसको भी वहां पहुंचाना है वो टाइम से, कैसे भी करके ये कुदरत का काम है, और जिसको लगवाना है उसको भी वहां पहुंचवाना है वो टाइम पे, फिर वो भी मिस्टेक करेगा ये भी मिस्टेक करेगा और सफल होगा, तो बुद्धि क्या कहेगी ये दोनों की गलती से हुआ, इसी की गलती या उसकी गलती, कोई कहेंगे मैंने पहले ही कहा था आज घर से बाहर नहीं निकलो तो भी निकले, फिर कहेंगे मैंने पहले कहा था आपको ड्राइविंग आता नहीं फिर क्यों चलाया, तो यानी व्यवहार सत्य में से तो लोग कहेंगे, पर कुदरत का कानून है जो आपका इफेक्ट लेके आए हैं उनके पूरे संजोग इकट्ठा करें और वो टाइम और वो स्पेस पे ही काम होना है, यही तो कुदरत है एग्जैक्ट, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, क्योंकि ये मनुष्य का मैनेजमेंट नहीं है ना, मनुष्य का नहीं है, कुदरत का है। आपको आपको अगर $1 million मिलना है तो इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको देना है कुदरत को, क्योंकि आपकी पुण्य है, मैं भी यही कह रहा हूं कुछ भी नहीं करोगे तो भी कुदरत आपको देंगे। ये बड़ी बड़ी चीज है, एक्सीडेंट हो रहा है 1 million मिल रहा है वो तो मान लो कि डिसाइड हो गया, ओके, क्योंकि उसके बीच में हाथ पांव हिलाना, आंख को टिका के रखना, आंख बंद करना, सोना, आलस करना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो भी डिसाइडेड होती है कि वो करने में फ्रीडम है, वो डिसाइडेड ही है। कमिंग इवेंट कास्ट देयर शैडोज बिफोर, अगर आपका हेल्थ अच्छा होना है तो कल से आप योगा स्टार्ट करोगे, बिगड़ना है तो कल से बंद कर दूंगी करते तो भी,
आप कहेंगे ऐसा क्यों हुआ, तो मेरे को तो करना है, माइंड भी ऐसा हो जाएगा, एनवायरमेंट ऐसा जाएगा, सोशल संजोग भी ऐसे हो जाएंगे, धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ज्ञान है आपके पास, एप्लीकेशन नहीं होगा, क्योंकि स्थूल एप्लीकेशन इज डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस एंड डिपेंड ऑन योर कर्म। सूक्ष्म एप्लीकेशन है वो आपका विजन है, वहां फ्रीडम है, स्थूल में नहीं है। यहां बैठे हुए सब लोग जानते हैं लेडीज जेंट्स के व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योगा फॉर अवर फिटनेस, जानते कि नहीं जानते? इसका मतलब ये नहीं कि वो जानते तो कर सकते हैं, या सब नहीं कर सकते। तो ज्ञान होना एक अलग बात है और प्रैक्टिकल में होना वो दूसरी बात है, आप समझे ना। तो उसके लिए हमको संजोग चाहिए और संजोग के लिए बीज चाहिए, बिना बीज फल कैसे आएगा? बीज वाली भी जो आप बोलते हैं कि फ्रीडम है, वो फ्रीडम भी नाम मात्र की है, वो बीज में भी तो मैं ऐसा सोचूं या मैं वैसा सोचूं, ऐसा बीज डालूं। आपने बताया है पहले कि पिछले जन्म का जो आपका ज्ञान का लेवल है, इस जन्म के संजोग है और नया ज्ञान है वो उसको प्रभावित करते हैं, पर ऐसे लगता है जैसे कि वो भी कंट्रोल्ड है, पिछले जन्म का मेरा डेवलपमेंट का लेवल, इस जन्म के संजोग, ये तो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, दे आर गिवन। उसके बाद मैंने कुछ नया या से संसार से ज्ञान अज्ञान जो भी सीखा उसमें से कुछ पार्ट अप्लाई किया, कुछ नहीं किया, बहुत थोड़ा सा शायद उसका हिस्सा होता है, बाकी तो मैं जैसा फैब्रिक हूँ, जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ। नया तो बहुत कम सीखता हूँ या इम्प्रूव होने की कोशिश तो बहुत ही कम होती है। तो सारे जीव करीब 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 करीब, अगर मैं भी 100% नीम हूँ तो 99.99% ही शायद अगले जन्म में बढ़ पाऊंगा, ऑलमोस्ट वैसा का वैसा ही मैं आगे होने वाला। ये आपने बताया, तभी तो करोड़ों साल से आप कहते हो हम इस संसार में घूम रहे हैं, आप जैसा ज्ञान कोई पहली बार तो नहीं मिला होगा हमको, और शायद अभी भी किया होगा, तो ये आधा अधूरा मतलब सुना भी, आधा अधूरा अप्लाई भी किया, और फिर भी वही के वही है। और जगह में तो बोलते हैं कि तुम लाखों करोड़ों बार जैन साधु बन गए या साधु बन गए, जैन साधु नहीं साधु बन गए, संत बन गए, तो वैराग्य भी ऊपर भी गए और वापस ये जो आज के वहां आ गए, तो फर्क तो पड़ता ही नहीं है। आपके जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है, हर कोई जो साधु बना उसको तो समझ में आ जाए कि मुक्ति की वैल्यू क्या है, मुक्त होना है, ये भाव भी उसने किए, फिर भी उन भावों ने कोई काम नहीं किया, वापस आके संसार में फेंक दिया। तो ये काइंड ऑफ बहुत ही फ्यूटाइल एक्सरसाइज है जो कहीं पे भी लेके नहीं जाती, करोड़ों अरबों जिन्होंने हमारे खराब कर दिए, आपको सुन के भी आगे हमारी क्या गति होने वाली है? तो नहीं बराबर है, इसीलिए इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि हम जो ज्ञान सुनते हैं, तीर्थंकर भगवान के पास से भी हमने ज्ञान सुने, समर्थ पुरुषों के पास भी हमने ज्ञान सुना है, पहले कहीं अवतार में, ऐसा नहीं कि नहीं सुना है, बहुत समर्थ व्यक्तियों के पास भी सुना है, अनुभवी ज्ञानियों के पास भी ज्ञान सुना है और तीर्थंकरों के पास भी सुना है। प्रश्न सुनने का नहीं है, प्रश्न हम जागते नहीं है, क्या नहीं है, जागते नहीं है। मैंने कहा ना इतना रॉन्ग सॉफ्टवेयर कितने अवसर से सेट हो गया है, बच्चे पैदा हो गया, इसको कहा चलो मंदिर में एक साल का, भगवान को कहला को कौन है, ये भगवान है, आरती करो, पूजा करो, जो कुछ मांगना है उससे मांगो, यानी उस उसमें क्या होता है, उसका मेंटल क्रिएट होता है कि भगवान यानी महावीर, यही होता है, आपने सेट कर दिया। अभी कोई कहेगा कि राम को भगवान मानो, भाई नहीं हम तो जाइन है, महावीर को ही मानेंगे, सॉफ्टवेयर सेट हो गया, आप समझे ना, कृष्ण को मानो नहीं मानेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर सेट हो गया। ये तो एक अवतार की बात करता हूँ, ये तो कितने अवतारों का सॉफ्टवेयर सेट हो गया है। तो इसमें से बाहर निकलना वो इजी नहीं है, इसीलिए मैंने कहा एफर्ट यहाँ नहीं करना है, विजन में करना है, एक्शन में नहीं करना है। आज तक जितने भी धर्म का पालन किया हमने वो सब एक्शन बेस्ड था, क्या था, एक्शन, मेरे लिए और आपके लिए नहीं, तीर्थंकरों केवल ज्ञानियों की अगला अवतार में यही समझ में समझना पड़ा, एक अवतार नहीं 25-25 अवतार पहले, ऐसा नहीं कि आज समझा तो कल जट आ गया, ये जो काल्पनिक बात है एक अवतार में दो अवतार में मोक्ष हो जाएगा, ऐसी कल्पना सही नहीं है, सुनने में तो अच्छा लगता है, भूलने में भी अच्छा लगता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तीर्थंकरों का भी ज्ञान मिलने के बाद भी अनुभव करने के लिए
बहुत प्रयास करना पड़ा। ये कहते हैं ना कि भी समझ में नहीं आता है, बात सही है गलत नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो लाखों अवतार का है। इसीलिए अभी वो सिद्धांत अप्लाई करना पड़ेगा ना, अप्लाई करने का मतलब आप जबरदस्ती नहीं करो, नहीं वो समझ के यानी आप ऑब्जर्व करते रहो कि चलो भी विचार आते फ्रीडम है मेरी, अनुभव करो फिर डिसाइड करो कि मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। जबान बोलते है तो डिसाइड करो मेरे कंट्रोल से निकलती है, अनुभव करते करते विजन चेंज करो, मैकेनिकल कुछ भी नहीं करो, साइंस में विथ योर एक्सपीरियंस यू चेंज योर विजन। भी मैं करना चाहता हूँ वो होता है नहीं होता है, अभी मैं विजन चेंज करूँ इसमें मेरी फ्रीडम नहीं है, अनुभव के साथ नॉट मैकेनिकल, और मैकेनिकल करोगे तो लंबा टिकेगा नहीं, क्योंकि ये रेडीमेड ना हो गया, क्या हो गया। और इसीलिए मैंने सत्संग में कई बार कहा है कि मैं आपको फॉलोअर्स नहीं साइंटिस्ट बनाने के लिए आया हूँ, आप खुद को भी अनुभव करना पड़ेगा, दिस इज नॉट ओनली नॉलेज और इंटरनेशन, यू हैव टू रियलाइज थ्रू योर विजन एंड थ्रू योर प्रैक्टिस। ये चमत्कार नहीं है कि मैंने कहा और आपका हो गया, और इसीलिए वो भाषा का प्रयोग मैं नहीं करता हूँ, मेरी भाषा में कृपा आशीर्वाद शब्द नहीं आता है, दुनिया में कहूँ जाओगे तो यही शब्द का वेट रहेगा, आप समझे, साइंस में नहीं रहेगा। जब आपको अनुभव करना है तो कृपा की क्या जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्या क्या जरूरत है, हाँ आपके पास पावर है, आप खुद अनंत शक्ति वाले हैं, आप खुद चेतन हैं, रियलाइज आपको ही करना है, जिसको रियलाइज होता है वो मोक्ष में चला जाता है, संसार में क्यों रहेगा, क्यों रहेगा, मगर नहीं होता है तो ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है, और क्या ऑप्शन है। तो बात यह है कि इस ब्रह्मांड में दो सत्य है, इस ब्रह्मांड में टू टाइप ऑफ ट्रूथ, वन इज अ रिलेटिव ट्रूथ इज विथ एविडेंस, वन इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ इज अ नेचुरल लॉ, दोनों है। और आज पांच इंद्रियों से जो भी अनुभव में आएगा वो तो रिलेटिव ट्रूथ है, उसमें कोई क्वेश्चन है ही नहीं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। हमको करेक्शन अपनी दृष्टि में इसीलिए करना है क्योंकि सॉफ्टवेयर जो गलत सेट हो गया है इसको रीसेट करना है या तो करेक्ट करना है। ये दुनिया का सब्जेक्ट नहीं है, ये इंद्रियों का सब्जेक्ट नहीं है, ये मन वचन काय का सब्जेक्ट नहीं है। ये तो मतलब नहीं है कि हमने कभी आप जैसा ज्ञान सुना नहीं होगा और उसको अप्लाई करने की कोशिश नहीं की होगी। नहीं, ज्ञान ज्ञान सुना होगा नहीं सुना होगा ऐसा नहीं है, और कोई कंपैरिजन की बात भी नहीं है कि भी नहीं सुना होगा। प्रश्न ये होता है कि आम इंसान को ये बात को डाइजेस्ट करने में बहुत समय लगता है, इतना आसान नहीं है। महावीर भगवान को ऋषभदेव मिले थे, इसके बीच में भी तीर्थंकर मिले होंगे, हम एज्यूम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान समझ गए, ये इंडिविजुअल बात है ना, मेरे को समझना है, मेरे को अनुभव करना है, मेरे को इंटरेस्ट होना चाहिए, मेरे को समझ में आना चाहिए कि ये करेक्ट है। नहीं होगा वहां तक तो आप प्रयास करते रहोगे रिलेटिव सत्य का, घूमते रहोगे, आप समझे ना। मेरा एक भतीजा है उसने IIT कर लिया, और दूसरा भतीजा है वो ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले पा रहा है, उसको इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं होता है तो इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया जा सकता है। अगर मेरे को इंटरेस्ट नहीं है या मेरा इंटरेस्ट आधा अधूरा है, और मुक्ति के लिए इसका इंटरेस्ट डेवलप होना जरूरी है, तो इंटरेस्ट नहीं है से इंटरेस्ट है वाले में कैसे एंट्री करने की। इसीलिए कहते हैं आप जितना आपकी दृष्टि से ये सनातन सत्य समझोगे तब मालूम होगा कि संसार में जो दिखता है पांच इंद्रियों से इसके वैल्यू ही जीरो है, मगर ये दृष्टि की बात है, ये सोशल बात नहीं है। ये दृष्टि मेरी आज नहीं है तो क्या कभी भी नहीं होगी, हो सकती है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड है ना, मेरे को आप डेवलप करना है कि नहीं करना है वो तो डिसाइड आपको करना पड़ेगा ना।
जैसे मेरे को डॉक्टर बनना है तो बीज मेरे को डालना पड़ेगा, फिर कुदरत मेरे को संजोग देगी प्रोसेस, मगर मैं बीज नहीं डालूंगा तो कुदरत कुछ नहीं करेगी अपना। कैसे करेंगी? कुदरत को तो ऑटो मोड़ है ना, उनके पास क्या पावर है आपको सुख दुख देने का? वो तो एग्जाम का रिजल्ट देते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली। और इसीलिए कहा ना, जिसको भी आज तीर्थंकर भगवंतों ने भी पुरुषार्थ शब्द बताया, जो आगम में भी है वेदांत में भी है, मगर पुरुषार्थ की जो श्रेणी थी वो समय समय पर उसकी डेफिनेशन चेंज हो गई। तो फिर भगवान ने जो पुरुषार्थ कहा था वो सब्जेक्ट खत्म हो गया। जो संसार में है और मुक्ति की बात, ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। आप जैसा बोलते हो पुरुषार्थ, ऐसे लगता है कि एक बहुत बड़ा जंप लगाना पड़े, क्वांटम जंप होगा तो ही वो बात हम मांग पाएंगे, समझ पाएंगे और अनुभव कर पाएंगे। इतना बड़ा जंप एक साथ में तो हमारे जैसों से नहीं लगने वाला है। आप ये मैंने कल भी कहा था, मैंने कल यही प्रश्न का उत्तर दिया था, डोंट थिंक अबाउट डेस्टिनेशन। एक बार डेस्टिनेशन तय हो गया फिर 1,00,000 किलोमीटर क्यों नहीं चलने का बाय वॉक? डोंट वरी, आपका रास्ता सही है और आप चल रहे हो, इतना ही देखो। उसमें तो भटकाव आएंगे, हो सकता है जब टाइम बड़ा लंबा जाता है वो तो होगा ही, बार बार भटकेंगे, मगर होता है ना वो तो, वो भी आपके ऊपर डिपेंड है, और कोई तो भटकाएगा नहीं। भटकने वाला संजोग मिलेगा, मगर भटकना है कि नहीं वो तो हमारी चॉइस है ना। वैसे ही तो करोड़ों जन्मों में भटके हैं, ये तो हिस्ट्री तो यही कहती है कि बार बार नजदीक के पास पहुंचते हैं, बात को वहां पे समझना होता है, समझ नहीं पाते हैं, भटक जाते हैं। तो अगर क्वांटम जंप लगाओ, 2-3 जन्मों में प्रोग्रेस करो तब तो बात हो जाती है, और वैसा नहीं करो। आप जो कह रहे हो 1,00,000 किलोमीटर धीमे धीमे चलो, वो तो मेरे ख्याल से अपना केस है, उसमें तो कोई पहुंचता ही नहीं है, उसमें तो बार बार भटकता ही भटकता है। पर सबके लिए यही है, जो लोग आज तीर्थंकर के रूप में पैदा हुए हैं, अगर इसका इतिहास देखोगे तो पहले उन्होंने 4 लाख अवतार किए, 3 लाख अवतार किए, 2 लाख अवतार किए, मनुष्य में आने के बाद की बात करता हूं। तो कोई ये चॉइस नहीं है, मगर प्रोग्रेस इसी से होगा। आप सिंपल बात समझो, जहां सुख नहीं है वहां हमको सुख लगता है, ये सबसे बड़ी भ्रांति है कि नहीं? आप समझाते हो, अभी तो भी समझ में नहीं आता है, लगता है भले तो भी क्या करें नहीं। अभी यहाँ पे आप कह रहे हो उसके हाँ भले भर दे नहीं, और हिसाब से तो हमारे को संसार में लगता है और संसार का सुख चाहिए। मैं क्या कहना चाहता हूं कि सुख है वो एक भ्रांति है कि फैक्ट है, इसके अलावा कोई दूसरा देखा नहीं, इसके लिए हमारे लगता है। उसके अलावा छोड़ दो, लॉजिकली तो समझ सकते हो ना, बुद्धि से बुद्धि समझ सकते हो ना। क्या आप, मैं कहूंगा कि भाई मेरे को अगर मेरे पास 50,000 रुपया सेविंग है तो मेरी सोच क्या है कि मेरे पास 5 लाख हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग टूडे, बट दैट इज अ प्रूफ कि जिसके पास 5 लाख है वो हैप्पी है तो प्रूफ तो नहीं होता है। इट्स ओनली योर व्यू पॉइंट डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस बट इफ नॉट फैक्ट। और यही अज्ञानता से तो सबकी दुनिया चलती है, तभी तो क्लोज नहीं होती है। इसीलिए तो कहता हूं रिलेटिव ट्रूथ से बियॉन्ड नहीं जाऊंगे, वहां तक कोई सॉल्यूशन नहीं है, और जो सॉल्यूशन है वही पजल है, जो सॉल्यूशन है ना वही पजल है, क्योंकि रिलेटिव ट्रूथ है। कोई ऐसी लिमिट है जीवन में कि जो हम कह सके कि ये प्राप्त करने के बाद मैं सुखी हो गया? सुखी होना वो सबका राइट है, सबकी इच्छा है, सबकी भावना है, हर जीव की। क्यों भावना है भी, उसकी भावना क्यों नहीं है सुख होने की, इसकी भावना क्यों नहीं है? ये भी जड़ है, ये भी जड़ है, इसको भी जला दिया जाएगा, इसको भी जला दिया जाएगा। यस और नो? यस। व्हाट इज द डिफरेंस? आत्मा नहीं है इसमें, आत्मा नहीं है इसमें, आत्मा है।
ठीक है, तो आत्मा के हिसाब के सुख की भावना है कि शरीर के हिसाब से? शरीर के हिसाब से, आत्मा के हिसाब से, ठीक है। तो आत्मा के हिसाब सुख की भावना है, शरीर तो जड़ है, वो कैसे सुख की अनुभूति करेगा? ये करेगा, ये टेबल में आप डाल लोगे एक किलो सोना, सुखी हो जाएगा? ये भी जड़ है, ये भी जड़ है। प्रश्न बिलीफ का है, किसका है? और बिलीफ रॉन्ग है आपकी। गोल्ड नहीं कहता है कि आई विल गिव यू हैप्पीनेस, कहता है कभी? करेंसी नहीं कहती है आई विल गिव यू हैप्पीनेस, कहती है? फूड नहीं कहता है कि आई विल गिव यू हैप्पीनेस, बोलता है? ड्रेस नहीं कहता है कि आई विल गिव यू हैप्पीनेस। दिस इज अवर क्रिएटेड बिलीफ, और वो बिलीफ हमको घुमाती है, और घुमाती है तो मालूम नहीं होता है कि हम अपने जीवन को कुछ अचीव करते हैं कि वेस्ट करते हैं। आप सिंपल समझो, पैदा होने के बाद समय समय पे माता पिता कहो या संबंध के रूप में कहो, एजुकेशन के रूप में कहो, सत्ता के रूप में कहो, संपत्ति के रूप में कहो, साधनों के रूप में कहो, जो जो हम पाते हैं, एक पूरा पैकेज समझो, पहले पूरा पैकेज पाते हैं समय समय पे, माता पिता छोड़ देना, भाई बहन छोड़ देना, पति पत्नी छोड़ देना, ठीक है, सगा वाला मित्र को छोड़ देना, संपत्ति पाते भी है, छोड़ते भी है, मशीन लाते भी है, पैक भी देते हैं, गार्बेज भी कर देते हैं, पूरा जीवन में जाऊंगे, आगे जाऊंगे, फिर क्या हुआ? फिर ये शरीर बीमार हो गया, दवा करो, इसको चलाओ, फिर मर गए, तो जो कुछ पाया था वो, और पाया क्यों था? सुख के लिए, तो फिर छोड़ा क्यों? अगर सुख होता तो मिल जाता। अंतिम श्वास तक हम कहते हैं कि मेरे पास पैसा तो है, संबंध भी है, संपत्ति है, नॉलेज भी है, डिग्री भी है, मगर सुख तो नहीं है। अगर होता तो मैं कहता, जितना पैसा ज्यादा इतना सुख ज्यादा, जितना स्टेटस बड़ा इतना सुख ज्यादा, जितने संबंध ज्यादा इतने सुख ज्यादा, मगर ऐसा है नहीं। ये व्यवहार चलाने का साधन है, उसमें क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। हर चीज आपको जीवन में जरूरी है, जो कुदरत आपको देती है, इसमें क्वेश्चन नहीं है। वो सुख का साधन है, वो क्वेश्चन है। प्रश्न बिलीफ का है, प्रश्न मटेरियल का नहीं है। तो बिलीफ हमारे रॉन्ग है, क्योंकि सुख स्वभाव ही आत्मा का है, आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये आत्मा को निकाल दो, फिर कहेंगे आपको, हम आपको 1 मिलियन डॉलर देंगे, बंगला मोटर गाड़ी सब कुछ देंगे, आत्मा को निकाल देंगे तो कुछ नहीं। क्यों? आपके आत्मा को तो मानता नहीं मैं। तो कहने का मतलब है, कोई जगह तो आपको अनुभव नहीं है, मगर पहले सपोज 100 के रूप में तो मानना पड़ेगा ना। अगर आप मालिक को मिलोगे ऐसा कहेंगे, लो आपका आत्मा, ऐसा कहेंगे? बोलते नहीं है, कहेंगे ऐसा नहीं तो उसकी वाइफ यहां नहीं होती अभी। तो दिखाने की बात थोड़ी है, यू हैव टू रियलाइज बाय योरसेल्फ। पर ज्ञानी पुरुष दे अवेयर यू, दे गिव योर विजन, दे गिव योर लाइट। आपको वो लाइट का उपयोग करके खुद ही रियलाइज करना है, इसमें सही गलत की बात नहीं है, खुद ही करना है। वो आपको दृष्टि देंगे, क्या देंगे? तो जो इतने अवतार हमने बिता चुके हैं, आज सिंपल बात बताऊं, मैं और जरा थोड़ा गहरा एग्जांपल दूं। कोई व्यक्ति कहेंगे कि भई आप मीट खाओ, तो आप कहोगे मैं नहीं खाऊंगा, बोला और कोई चीज खाने की नहीं है, एक दिन दो दिन या 3 दिन के लिए खाओगे आप? 3 दिन तो शायद खींच लेंगे, उसके आगे पता नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके अंदर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर सेट हो गया है कि नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना है। आप समझे? ऐसे हर चीज का ये रिलेटिव सॉफ्टवेयर सॉर्ट सेट हो गया है, करने से ही होगा। क्या हो गया? और करना ही मेरा काम है, प्राप्त करने से ही होगा सुख।
ये सब भ्रांति है। क्या है? और स्पिरिचुअल पाथ। जब जब दुनिया खुद ही सर्जन और विसर्जन है, आप खुद शाश्वत है, तो सर्जन विसर्जन में आप क्या पा सकते हो? जो पाएगा सब समय वर्ती, यस और नो, और तुम समय से बियॉन्ड हो, तुम्हारी हैप्पीनेस भी समय से बियॉन्ड है, मगर तुमको टेम्पररी में इंटरेस्ट आया क्योंकि आपकी बिलीफ। समझा? तो एक दिन को हमको तो सॉफ्टवेयर चेंज करना है, रिजल्ट आने में भले 5 अवतार लगे, 25 अवतार लगे, कहीं से तो बिगिनिंग करनी पड़ेगी ना। मैं स्थूल एग्जाम्पल दू, स्थूल एग्जाम्पल बिल्कुल आम आदमी समझ सके, मतलब वो रिलेटिव सत्य है मगर समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए, कि इतना बड़ा हमारा देश है भारत देश, 130-135 करोड़ की जनसंख्या है और सब लोग एजुकेटेड भी नहीं है, ठीक है, बहुत लोग पुअर भी है, जिसको खाना भी नहीं मिलता है, कपड़ा भी नहीं मिलता है, रहने के लिए पक्के घर भी नहीं है, ये हमारी परिस्थिति है। अच्छे भी लोग हैं, रिच लोग भी हैं, मिडिल क्लास के लोग भी हैं। ऐसे देश जहां लोग आसानी से कहीं भी जाएंगे तो कहीं भी स्प्लिट करना, कचरा फेंकना, क्या करना, अपनी दुकान को साफ करके बीच में रास्ते में कचरा छोड़ देना, अपने घर को साफ करके बगल में छोड़ देना, ऐसी आदत वाले लोग, यस और नो, वो भी जनसंख्या 135 करोड़, छोटे नहीं। और मैं कहता हूं कि मेरे देश को स्वच्छ करना है, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, एक दिन तो रिजल्ट आएगा, मगर हम कहेंगे इम्पॉसिबल है तो फिर इम्पॉसिबल ही रहेगा। कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना, यू अंडरस्टैंड मी? यस यस। हम कहेंगे नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। अगर आप ऐसे देखते रहोगे तो कुछ नहीं होगा आपसे। दुनिया बड़ी है कि आप बड़े हैं वो तो सोचो। ये दुनिया पावरफुल है, आप पावरफुल है, आपके पास जो अनंत शक्ति है वो कुदरत के पास नहीं है, ये विनाशी अवस्थाओं में नहीं है। हम फंसे हैं अपनी अज्ञानता से, अपनी खुद की वैल्यू कम करके, जीरो करके, इसकी वैल्यू करके हम फंस गए। मिस्टेक तो हमारी है ना, दुनिया की मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक हमारी है। हर चीजों में हमने सुख माना है, चित्त नहीं कहती कि मैं सुख देता हूं, कहता है दुनिया की कोई चीज कहती है आपको कि मैं आपको सुख देता हूं? कहती है कोई भी चीज? हम मानते हैं, दैट इज आवर बिलीफ। तो गलती किसकी है? चीज की है? नहीं है, वो दुख भी नहीं देती है। अगर आप घर में एसी और हीटर दोनों लगा दिया आपने, ठीक है, और गर्मी की मौसम है, 40-45-50 डिग्री का टेम्परेचर है, और आप गर्मी से बाहर आए और गलती से हीटर की चाप दब गई, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? अनकंफर्टेबल हो गया। नहीं, जो है उससे ज्यादा हो गए, कम हो गए? तो मिस्टर कहां हो गए? आप समझे कि नहीं? स्विच में, बस उसमें मिस्टेक नहीं है। हम कहते हैं बीबी है, बच्चे हैं, परिवार है, पैसा, लक्ष्मी, सब गलत है। गलत नहीं है, गलती दृष्टि में है कि तुम डिपेंडेंट हो। गलती कहां है? दृष्टि, तुम डिपेंडेंट हो, यह तुम्हारी गलत दृष्टि है। हालांकि वो डिपेंडेंट तुम्हारे हैं। यू अंडरस्टैंड मी? संसार की चीजों में सुख है, ये अगर माना तो ये दृष्टि गलत क्यों है? ये मोक्ष के रास्ते में क्यों आती है? मोक्ष में भी सुख है और संसार की चीजों में भी सुख है, अगर ये दोनों साथ में मान के जीने की कोशिश करें तो मोक्ष के मार्ग में फेल क्यों होंगे? अगर संसार में सुख मानेंगे तो फिर सुख ढूंढने का प्रयास जरूरत क्या है? उससे बड़ा सुख चाहिए। बड़ा का मतलब क्या है? व्हाट इज द स्केल एंड साइज? वो डिसाइड है। बड़ा का क्या मतलब है? मेरे पास 500 आप जगह, मैं बड़ा हो गया
कोई कहता है उनके पास 5,000 बजे तो और आगे, तो उसमें कोई लिमिट कोई है ना, यहाँ लिमिट है ना वहाँ लिमिट है। पहली बात ये है कि जब हम साधनों के ऊपर डिपेंड होते हैं तो आपको नहीं लगता है कि वी आर हैंडीकैप्ड? आप समझो, पैसे से फैसिलिटी मिल सकती है, नेसेसिटी मिल सकती है, आई एग्री विथ यू, हैप्पीनेस मिल सकती है, ये आपको लगता है? और अगर आप फैसिलिटीज को आप हैप्पीनेस समझो, हो सकता है, मगर रियल हैप्पीनेस वो नहीं है। अगर आपके पास 50 करोड़ रुपया है और आपको अटैक आ गया और हॉस्पिटल में रहेंगे, 5-star होटल में सब कुछ सुविधा है, नौकर चाकर बैल लगाओगे हाजिर हो जाएगा, बट दिस इज द हैप्पीनेस। अगर पैसा नहीं है तो जो मिलती है वो तकलीफ ज्यादा मिलती है, और पैसा है तो वो तकलीफ कम मिलती है, दोनों का जो अंतर है उसको हैप्पीनेस कहते हैं, वो समझ में आई हुई है। इसके लिए उस पैसे का, औरतों का, नाम का, संसार के सुखों का आकर्षण छूटता नहीं है, वहां पे दिमाग को बहुत क्लियरली समझ में आया हुआ है कि कुछ तो है, वो हैप्पीनेस है या नहीं है, जो नाम देना है वो दो, उसमें कुछ अट्रैक्शन है, कुछ मान है, कुछ सब्सटेंस है, कुछ वैल्यू है, उस वैल्यू को नहीं छोड़ा जा सकता है, और हार्डली कोई छोड़ने में सक्सेसफुल होता है, जो छोड़ने में सक्सेसफुल होते हैं वो ये सारा छोड़ के वो जैन साधु बन जाते हैं, वहां पे दूसरी तरीके की गलती करते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये सबको छोड़ दो, तो या तो इनको पकड़ के रखो इसके साथ, या सब छोड़ दो, इस दो के बीच में झोला खाते हैं। आप ये बोलते हो छोड़ दो, आपको लगता है कि मैं अगले 20-30 साल जो जीऊंगा उसमें मैं पैसे की वैल्यू नहीं करूंगा, आपका कहना मानूंगा? आपके कोई भी शिष्य जो आपको सुनता है आपको लगता है वो आपका कहना मानता है? और इसीलिए कहा कि यह साइंस में कुछ छोड़ना नहीं और बदलना नहीं है, दैट द प्रिंसिपल। और ये माने बगैर तो मजा ही नहीं आता है ना, ये मुझे मैंने कहा साइंस में नहीं है फिर मैं क्या करूं, आपने असंतन कर दिया, आपने असंतन कर दिया तो मैं क्या करूं, और लोग क्या कहते हैं वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। मैंने साइंस में सिंपल बताया है कि आपको कोई भी चीज छोड़ना भी नहीं है, नंबर वन, एक मिनट, और बदलना भी नहीं है, ये साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मन वचन काया को चलाने वाले, उनका अस्तित्व चलाना और डिस्ट्रॉय करना वो आपके हाथ में नहीं है, तो साइंस का ये सब्जेक्ट नहीं है। मैंने कितनी बार कहा है, और इसीलिए इसको चेंज करना, बदलना, कम करना, छोड़ना, ये तो सब्जेक्ट साइंस में नहीं आता है, धर्म में आएगा, मैं उसको मना नहीं करूंगा, मगर साइंस क्या कहता है, आपके पास जैसे ये फोन की वैल्यू किसने किया, पैसे की बात नहीं करता, इम्पोर्टेंट हमने दिया ना, कोई कहेंगे भी मैं एक मिनट, दूसरी व्यक्ति भी संसार में रहती है, बोला मेरे को फोन को टच भी नहीं करना है, मैं डुअरशिप की बात नहीं करना चाहता हूँ, मैंने कहता हूँ कि मैं इसके बिना नहीं जी सकता हूँ, वो मेरा हैंडीकैप पड़ा है कि नहीं, उसकी बात करता हूँ मैं, ऐसे हम लाखों चीजों के ऊपर हम हैंडीकैप हो चुके हैं, अभी फ्रीडम ढूंढना चाहते हैं, कैसे मिलेगी? तो प्रश्न था दृष्टि का, दृष्टि से ही कर सकते, चीजों को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो तो रिक्वायरमेंट है आपकी, और आपका उदय कर्म भी है, तो आप क्या कर सकते हो, तो करने का तो सब्जेक्ट है ही नहीं, मगर दृष्टि तो बदल सकते हो कि नहीं, तो प्रश्न वही बात है, और हमारा साइंस दृष्टि के ऊपर है, मन वचन का है कि एक्शन ऊपर नहीं है। तो ये चीजें कहां बीच में आती है, 500 साल पहले ये चीजें थी नहीं, लोगों के पास नेसेसिटी जितनी ही चीजें थी और उसी में वो जीते थे, वो कौन से मुक्त हो गए, उन्होंने कौन सी मुक्तता का एहसास कर लिया, चीजें कहां बीच में आती है? प्रश्न ये नहीं है कि चीज कम थी या, तो एग्जांपल दिया, प्रश्न चीज कम थी या ज्यादा थी वो नहीं थी, उस समय भी सॉफ्टवेयर था कि मेरे को ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, जो भी संदेह है, प्रश्न सुख के लिए ये चीज चाहिए, वो जो सॉफ्टवेयर है कि 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है उसमें सुख है, वो सॉफ्टवेयर जो सेट हो गया है तो चीजें कम है या अनंता है उसमें ही जान जाएगा। तो एक आदमी के 2 टुकड़े करो तभी जो आप कह रहे हो वो संभव है। मैं पिछले जन्म तक लेके आया कि ये माल मसाले में मजा है, ये इन चीजों में मजा है, इसमें मजा है, मैं जी रहा हूँ वहां पे, और आप कह रहे हो अब तुम मानो कि इसमें किसी में वैल्यू नहीं है, मानना है, छोड़ना नहीं है, हाँ मानना है और बदलना भी नहीं है, पर ये कैसे संभव है? क्योंकि मैं मेरे को वहां मजा आ रहा है, वो चीजें मेरे को मिल रही है, मजा आ रहा है का मतलब है मैं मानता हूँ उसमें मजा है, और आप बोलते हो तुम मानो मजा नहीं है। बस अब ये दो, एक आदमी वो तो जो सिजोफ्रेनिया या वो जो होता है आधा पागल वाला आदमी, ड्यूअल पर्सनैलिटी वाला आदमी,
इधर मजा ले रहा है, इधर बोल रहा है इसमें मजा नहीं है, मजा ले रहा है मजा नहीं है, बस दो टुकड़े कैसे करें। यही बात जीवन में है, आज जिसको मिलके आनंद होता है कहीं उनके साथ द्वेष भी हो जाता है तो पसंद भी नहीं होता है। देखना और बात करना, व्यक्ति एक ही है, आप भी वही है वो भी वही है। आज जो लाइक है कल डिसलाइक हो जाएगा, दूसरा ढूंढेंगे। मैं वो तो हो गया ना, तो लाइक डिसलाइक हुआ ना, बात वही हुई ना, मतलब बिलीपी हुई ना, बात वही हुई। फिर एक को लाइक किया वो डिसलाइक हो गई, फिर दूसरा ढूंढेंगे, कोई गारंटी नहीं है। हाँ तो कोई गारंटी नहीं है मोक्ष की, भी किसके भरोसे इस बिलीफ को तोड़े जो उनको सुख देता हुआ महसूस करवाती है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि मोक्ष की गारंटी की जरूरत नहीं है, आप खुद ब्रॉड विजन से समझो, मैं जितना डिपेंडेंट होता हूँ व्यक्ति के ऊपर वस्तु के ऊपर इतना मेहंडी कह रहा हूँ, इतना तो समझ में आता है ना, और जितना डिपेंडेंट कम होगा इतना मैं समर्थ होगा, फिर समर्थ होगा तो कुछ भी सोच सकूंगा, डिपेंडेंट नहीं सोच सकूंगा, तो इतना तो समझ में आता है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी, सो डिपेंडेंसी कम करने से मेरी फ्रीडम बढ़ती है वो समझ में आता है, पर उस फ्रीडम को इतनी ज्यादा मैं वैल्यू असाइन क्यों करूं, क्योंकि मेरे लिए फ्रीडम से ज्यादा जो ये आवासीय सुख है उसकी कीमत ज्यादा है। तो वो तो ज्यादा रहेगा ना, वो तो रिलेटिव, दुनिया तो ऐसे चलेगी ना। तो डिपेंडेंट कम होके फ्रीडम को ज्यादा फील करके मैं हासिल क्या करना चाहता हूँ, वही ये चक्कर से मुक्ति और क्या। और वहां पे आप कहते हो कि श्रद्धा मत करो, वहां पे तो हमारे को भावी ने देखा, आपने महसूस किया है, जिन्होंने किया वो कहते हैं ऐसा मोक्ष है, ऐसा एक परम आनंद है, एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंस है, वहां पे फ्रीडम है, किसी चीज के ऊपर व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है, वो हमारा खुद का तो अनुभव नहीं है वहां पे। तो हमारे को अब सिद्धांत भी आप कहते हो मानो, तो वो भी तो सिद्धांत के ऊपर भी श्रद्धा ही हो गई ना, ये सिद्धांत हमारा खुद का पक्का हुआ नहीं है। अभी तो आपके पास जैसे ये व्यवहार सत्य है वो भी हमने माना था, और सनातन सत्य है वो भी हमको मानना है, अनुभव में आएगा ये भी, अनुभव में आएगा तब स्वीकार करते, ये लाइफ भी तो श्रद्धा है और क्या है, कोई गारंटी है, सिर्फ ट्रस्ट है ने? मैं पढ़ूंगा गारंटी है कि मैं जो चाहता हूँ वो मार्क ला सकूं, शादी करके गारंटी है कि सिर्फ हैप्पीनेस ही मिलेगी अनहैप्पीनेस नहीं मिलेगी, जब बच्चे पैदा करता हूँ तो अपनी सोच के मुताबिक करता हूँ कि मेरे बचपन में काम आएगा, बुढ़ापा में सॉरी काम आएगा, प्रॉब्लम्स आएगा तो काम में आएगा, गारंटी है, कोई भी गारंटी नहीं है फिर भी ट्रस्ट। और यहाँ कहते हैं गारंटी चाहिए, यहाँ रोज पड़ोस में दूसरों का दिखता है कि देखो उसका वही वही तो रिलेट, वही तो दिखता नहीं है ना, कोई भी नहीं है, वही तो मैं कहता हूँ जो दिखता है वो है नहीं और जो है वो दिखता नहीं। हाँ तो वो तो और भी कठिन कर दिया ना आपने, वो कैसे उसके ऊपर विश्वास कैसे आए कि जो दिखता ही नहीं है, जिसके कोई एग्जाम्पल नहीं है, जिसके कोई माइलस्टोन नहीं है, उसके ऊपर पूरा भरोसा करके ये जो सब हाथ में है उसको छोड़ दो। और इसीलिए ज्ञानी कहते हैं जो है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो है नहीं। इतना बड़ा कमिटमेंट कौन कर सकता है क्योंकि जो दिखता है आज आज जब ब्रॉड विजन से देखोगे तो आपको खुद को मालूम हो जाएगा कि टुडे इज अ 22 December 2019, अभी 2020 नहीं आई है, तो 21 December 2019 तक हम मर गए, यस और नो, वी डाइड, यस और नो, ब्रीथ खत्म, लाइफ खत्म, और कर्मों के भुगतान भी उस टाइम की, मगर सोच खत्म नहीं हुई। आपकी बात सारी सुन के मेरे को जो समझ में आता है वो ये आता है, आपने जो बहुत ही अच्छा साइंस बताया कि कॉज और इफेक्ट वाला, अच्छा माल कैसे भरना था कि अगले जन्म में मुंह मांगा कैसे मिले, ये वाली बात समझ में जरूर से आती है कि अच्छा, मगर मुंह वाली बात जब मिलेगी तो और ख्वाहिश बढ़ेगी और वापस आपका ये साइंस पकड़ के अच्छा इफेक्ट, ये आपने अच्छा समझा दिया है, ताकि वो जो
अनवांटेड एलिमेंट है लाइफ में से वो निकालते जाओ इस साइंस को ठीक से समझ के। तो इसीलिए इसीलिए कहा कि जो हमको चाहिए उसका भाव करूंगे, इसके साथ क्रेडिट भी चाहिए, वो भी मैंने बताया। विदाउट क्रेडिट आपका भाव का चेक पास नहीं। हर बातों के अंदर मैंने प्रिंसिपल रखा है, तो भाव कोई बात मैंने रूल नहीं रखा है। बनिए हैं अधिकांश जो जैन वगैरह आपके भी जो सुनते हैं बिजनेसमैन है, पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं, बहुत गहरी बात समझते हैं, उनको ये बात समझना मुश्किल नहीं है। ये ऐसे कॉज करो और उसके लिए बैंक बैलेंस इकट्ठा करो, इसके ऊपर ही जोर लगाते हैं, ये वाला ही जीते हैं फिलहाल। तो पुण्य का बैलेंस करना आसान नहीं है। तो क्या वो अपने आप से ही एक्सीडेंटली होता है? नो, इसीलिए मैंने कहा हर व्यक्ति के लिए ये बैलेंस करना, वो भी उनकी सोच होती है। क्या होती है? पहले जमाने में सृष्टि थे, सृष्टि, उसके बाद सेठ हो गए और धीरे धीरे सठ हो गए। क्या हो गए? और तीनों पैसा वाले, मगर तीनों का कैरेक्टर अलग अलग है और तीनों दान देते हैं। तो पहले जो सठ की तो बात नहीं करूंगा, सेठ और श्रेष्ठ की बात करूंगा। श्रेष्ठ शब्द क्यों आया, सेठ शब्द क्यों आया, ये सब समझने जैसी बात है। शब्द ऐसे नहीं आए, इसके पीछे राज है, ये कोई ऊपर से नहीं आए, हमने ही बनाया है बिकॉज ऑफ इस नेचर। तो जो सेठिया होते हैं वो पैसा कमाते हैं और खाना पीना खाते हैं, जलसा भी करते हैं, घूमते हैं और दान पुण्य भी करते हैं 20% आउट ऑफ 100, आप समझे ना। मगर श्रेष्ठ जो होते हैं, जो कमाते हैं, इसका 50-60-70% दान कर देते हैं। भाई ऐसा क्यों करते हो भाई, तुम्हारा पुण्य है, तुम यूज करो, जलसा करो, किसने मना किया? तो कहेंगे कि नहीं, मेरा विजन ये कहता है, किसी ने नहीं कहा है कि तुम ये जलसा नहीं करो, भगवान ने भी नहीं कहा कि तुम जलसा नहीं करो, मगर मेरा विजन ये कहता है, मेरी दृष्टि ये कहती है, मेरी सोच ये कहती है कि ये पैसा तो मेरे को लोग दे रहे हैं, वे क्यों दे रहे हैं? लोग मेरे को पैसा क्यों दे रहे हैं? मैं कोई चीज बनाता हूँ, बेचता हूँ, मेरे को पैसा देता है, पैसे से कपड़ा मेरे को मिलता है, तो लोग मेरे को पैसा क्यों देते हैं? आप समझे? क्योंकि मेरा पुण्य है, देने वाला तो ये लोग हैं, पुण्य मेरा है, और ऊपर से तो नहीं आएगा ना, ऊपर से आएगा पैसा नहीं आएगा। तो उन्होंने देखा कि प्रैक्टिकल तो यही है, पुण्य मेरा है। जैसे आज अनिल मुकेश अंबानी, उन्होंने क्या कर दिया, सबके घर में एटीएम रख दिया, नाउ यू हैव टू पे एवरी मंथ, ये एटीएम में पैसा रखने का है, उपाड़ने का नहीं, उठाने का अधिकार, पासवर्ड उनके पास ही है, हर महीने रखो 350 वो खींचता रहेगा बिना घर पे आए, नहीं समझ में आया। तो उनके पास पावर कहां से आया गया? पुण्य। एटीएम आपके घर पे रख दिया, बोला अपन एटीएम क्यों रखा हमारे घर पे, बोला हमको जरूरत है। तो ये देखो पुण्य उसका है, बिना कुछ किए प्राप्त करता है करोड़ों लोगों के पास। तो ब्रॉड विजन वाले सोचते हैं कि करोड़ों लोग मेरे को पैसा एक रुपया भी देगा एक दिन का, एक करोड़ लोग तो एक करोड़ आ गया एक दिन का, तो 365 में 365 करोड़ आएगा, यस और नो, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो ये दृष्टि कहां से आई, जितना बांटूंगा इतना मेरे को मिलेगा, दिस इज द इन्वेस्टमेंट। तो ये ऐसे लोगों को मालूम है, श्रेष्ठ लोगों को, ज्यादा से ज्यादा वो लोगों के हित में काम करते हैं। क्या करते हैं? और उसमें वो भी नहीं देखते कि धर्म है, पक्ष है, पंथ है, क्या है, वो भी नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं कि अपने धर्म वाले को हेल्प नहीं करेंगे, अन्य धर्म वालों को भी हेल्प करेंगे, मगर उसके अंदर कॉमन फैक्टर यह है विजन में, इंसानियत, ह्यूमन को दिया हुआ पैसा वो हमारा इन्वेस्टमेंट है, एक्सेस नहीं, एक्सपेंस नहीं है, ये सेट हो गया उसके विजन में, डेवलपमेंट से बुद्धिशाली होते हैं ना बढ़िया, तो सेट हो गया। अभी वो देते रहते मिलता रहता है, देते रहते मिलता रहता है, कम एंड गो, कम एंड गो, सेट हो गया। अभी का जो ये माइंडसेट चेंज हो गया, पैसा ज्यादा कमाओ, ज्यादा यूज करो, तो कुदरत कहती है कोई बात नहीं करो, आपका है, फिर एनिमल बन जाओगे। नहीं मगर मैंने तो भावना किया है कि मेरे को देवलोक में जाना है, राजा बनना है, कोई बात नहीं, भाव करो, बैलेंस नहीं है, पास नहीं होगा, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया।
धाव करो, मना नहीं करेंगे, बहन तो तैयार है। मोक्ष जाने वाला मार्ग इतना कठिन लगता है कि भाव वाला उससे इजी है, कठिन वाला उससे इजी है। ऐसा नहीं कहते हैं कि ये भाव करके बैंक बैलेंस इकट्ठा नहीं करेंगे, पर मोक्ष वाले मार्ग से ये काफी सिंपल लगता है। इसीलिए होने के भाव करेंगे और बैंक बैलेंस इकट्ठा करेंगे, पर क्या इस तरीके की अप्रोच लेने से अगले कुछ जन्मों में मोक्ष मार्ग के नजदीक जाने का संयोग मिलेंगे या नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा? हो सकता है। देखो एक बात है, आप तो वैसे जैन धर्म में पैदा हुए हैं, पढ़े लिखे भी हैं, एजुकेटेड, एक्सपीरियंस भी है, आपको भी मालूम है कि तीर्थंकर भगवंतों की बात गलत तो नहीं हो सकती है, अनुभव में नहीं आ सकती, वो समझ सकते हैं, गलत तो नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा हम आत्मा है और आत्मा में ही सनातन सुख है और आत्मा की मुक्ति होती है, शरीर की नहीं होती है। तो वो अगर कुछ भी कहते हैं तो गलत क्यों बोलेंगे, भले हमको अनुभव नहीं है या तो हमारे दिमाग में से इतनी बात हमको अभी सेट भी नहीं होती, लॉजिकल सेट नहीं होती है, मगर ऐसी व्यक्ति जो बिल्कुल पवित्र है, शुद्ध है, वो कुछ भी सेंटेंस समाज के सामने गलत क्यों बोलेगी? हमारे पास अनुभव नहीं हो सकता है, मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे को आत्मा का अनुभव नहीं है, मोक्ष भी मेरे को दिखता नहीं है, मैं कबूल करता हूं, ठीक है, मगर जितनी बात मेरे को समझ में आती है आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एज इट इज, उसके पीछे भी लॉजिक होता है, रैंडम नहीं बोलता हूं, शास्त्रों में लिखा है, इसने कहा, ऐसा नहीं बोलता हूं मैं आपके सामने लॉजिक पेश करता हूं ताकि आप इससे समझने की कोशिश करो। और भगवान भी यही करते, तीर्थंकर भगवान जब प्रश्न का उत्तर देते तो आपको पूरा समझा देते, आप कितना ग्रहण कर सकते वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो समझाने की पूरी कोशिश करेंगे लॉजिकली विथ एग्जाम्पल, प्रॉपर एग्जाम्पल, ताकि आम इंसान इसको समझ सकें। मगर मैंने कहा ना, कहीं बातें ऐसी होती है कि समझने के बाद भी एप्लीकेशन के लिए पावर आना इस कलयुग में वेरी डिफिकल्ट है, पावर नहीं आता है, क्योंकि आज समझो, आज ने आप विज्ञान को 2 घंटा सुना, ठीक है, समझ में भी आ गया और पावर भी हुआ अभी तक कि नहीं नहीं ऐसा तो करना चाहिए, हमको इस प्रकार का प्रसार करना चाहिए, ऐसी शक्ति भी आपको अभी तक आ गई 2 घंटे में, मगर 22 घंटा जो है उसका जो नेगेटिव पावर है ये पावर को कम आउट नहीं होने देता है, वो क्या करता है, डर जाता है। तो मेजोरिटी तो यही रहेगी, और इसीलिए कहा है हम खुद को जागृत होना पड़ेगा ताकि हम मैक्सिमम यही पावर का यूटिलाइज कर सके। ये प्रत्यक्ष पावर तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, वो किसी के हाथ में नहीं है, मगर हाँ अगर हम खुद जागृत हो जाए और विज्ञान को समझने की, अनुभव करने की, उपयोग करने की कोशिश करेंगे तो हम खुद आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ कमजोरी हो जाए फिर सपोर्ट ले लो, फिर आगे बढ़ो, फिर कमजोरी हुई फिर सपोर्ट ले लो, मगर आगे बढ़ना है बस। तो ये इंडिविजुअल बात हो गई, क्या हो गई, ये सामूहिक बात नहीं है। और सत्संग में मैंने कितनी बार कहा ये साइंस हजारों लाखों लोगों के लिए नहीं है, वो मैंने कितनी बार कहा है, नहीं है वो, लाखों लोग सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कितना लोग इसका उपयोग कर सकते हैं वो डिपेंड है, वो कोई गारंटी नहीं है। मगर क्या कहते लोग, क्या कहेंगे कि स्वामी जी आप इतना सारा एफर्ट करते हैं क्यों करते हैं, रिजल्ट नहीं आएगा तो नहीं, लोग तो कहेंगे ना मेरे को, लोग कौन समझने वाले हैं। दादा भगवान भी नहीं कहते मोक्ष किसको जाना है, कहते हैं ना इतना सारा ज्ञान देने के बाद ये कहते हैं मोक्ष में किसको जाना है। तो मेरा प्रश्न ये नहीं है कि एफर्ट करूंगा तो हो जाएगा, लोग अवेयर हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, मोक्ष में चले जाएगा, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरी भावना है, मगर रिजल्ट के फॉर्म में नहीं भी हो सकता है, प्रश्न ये नहीं। प्रश्न ये है दुनिया के जो भी लोग हैं इनके पास जो भी रिलेटिव सतर्क का ज्ञान है वो लोगों को शेयर करता है, मे बी रिजल्ट आए या सुन लो या सुन लो, मैं सनातन सत्य की बात करता हूं, रिजल्ट आया ना आया आई शेयर इट, दैट्स इट। हर प्रवचन करने वाले यही समझते हैं कि मैं जिसको भी कहते हैं कि मैं सबको रामायण सुनाता हूं, मतलब ये नहीं कि लोग सुधर जाएंगे, उन्होंने खुद ने कहा कई बार,
हर धर्मगुरु कहेंगे कि बेटो ये प्रवचन सुनते हैं, ऐसा नहीं कि वो चेंज हो जाएंगे, वो तो वही के वही रहेंगे, फिर भी प्रवचन सुनाते हैं और सुनते भी है। तो प्रयास का मतलब होता है हम अपने प्रयास होने से पीछे नहीं हटेंगे। कितने लोग अवेयर होंगे वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट एंड देट इज ये लाइफ में लेके आया हूँ। और भगवान भी क्या करेंगे, एक मिनट, और भगवान भी क्या करेंगे, जितनी भी देशना देंगे इसमें जितने भी लोग आएंगे क्या सब मुख पे चले जाएंगे? नहीं चले जाएंगे। फिर क्या करते हैं, जब समोसण में आए बैठे हैं प्रश्न किया है तो भगवान ने क्या दिया, वो उत्तर दिया का मतलब ये गारंटी है कि मुख में जाएगा वो? नहीं, उसको प्रश्न किया तो उत्तर दिया, गारंटी थोड़ी होती है। इट्स अ इंडिविजुअल मैटर। क्या है, समाज में कोई जगह गारंटी है? एक स्टेप चलते हैं गारंटी है? कोई गारंटी है आपकी लाइफ की पूरी, कोई अवस्था की कोई गारंटी है? अभी विश्वास बंद होगा तो है कोई गारंटी? अभी चलते चलते स्लिप हो गया, पांव टूट गया, तो कोई गारंटी है? कोई कोई खाना खाया और वो पॉइजनस हो गया, कोई गारंटी है? कोई जगह पे है गारंटी? कहां है आपका कर्म है, गारंटी क्या है? कोई कोई भी संसार की कोई भी चीज के अंदर कोई गारंटी है? आप देखो, शादी करते हैं गारंटी है, बच्चे करते हैं गारंटी है, कोई जगह गारंटी है? एवरीथिंग इज इन योर लक और योर कर्म, यह सुन लो। फिर भी जन्म जीते हैं ना लोग, ऐसा है कि मैंने 50 करोड़ रुपया कमा लिया तो भाई सुखी होगा, दुख नहीं होगा, गारंटी है? मैंने 5 बंगला बना दिया तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैंने 5 फैक्ट्री बना दिया तो मैं सुखी हो जाऊंगा, कोई गारंटी है? मेरे पास 50 किलो सोना हो गया मैं सुखी हो जाऊ, कोई गारंटी है? है कोई गारंटी? गारंटी कहां है? ये तो ऑथोराइज पर्सन जो रियलाइज करते हैं, ऐसे मुक्त पुरुष खुद बोलते हैं अनुभव करके। हाँ, उनको अनुभव नहीं और उनकी बात 100% समझ में भी नहीं आती है, मगर कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना वहां तक पहुंचने के लिए। आज मैंने जिंदगी में पहली बार बंबई देखा ही नहीं है, दिल्ली देखा ही नहीं है, और किसी ने कहा तो मैं कहूंगा क्यों मानूं? व्हाट इज द प्रूफ? आप समझे ना? तो बोला आप वहां जाके आए हैं, आपने देखा है, आप एक्सप्लेन करते हैं, बराबर है, मैंने देखा नहीं है मैं क्यों मानूंगा? तो कहेंगे आप नहीं मानो कोई बात नहीं, मगर मैं आपको मैप देता हूं, यू फॉलो द मैप एंड वन डे यू रीच द दिल्ली। तो इसमें गलती क्या है? आपको अभी अनुभव नहीं है, नहीं मानते है, कोई बात नहीं, मगर दिल्ली देखना है तो मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, इसके मानने मानने की जरूरत नहीं है। मगर आपको मैं जाके आया हूं इसलिए मैं आपको पाथ बता रहा हूं, अभी आपको उस पाथ पे चलना है तो रिजल्ट आएगा, एक अवतार में, दो अवतार में, 5 अवतार में, मगर आएगा, क्योंकि मैं जाके आया हूं ये मेरा अनुभव है। फिर आप आगे जाके गुमराह एग्जिट ले लोगे तो गलती मेरी नहीं है, आप जाके मैंने रास्ता दिखाया उसमें आप एग्जिट ले लिया और 25 अवतार निकाल दिए वहां, तो मेरी गलती तो नहीं है ना? ऐसे भगवान कहते हैं भाई मुक्ति आपकी 100% हो सकती है व्हेन यू फॉलो द लॉ ऑफ नेचर। ये दुनिया की सच्चाई जानोगे तो आपको मालूम होगा दुनिया में है क्या, क्या है? जब बॉडी आपका नहीं है तो और क्या हो सकता है आपका? वो तो देखो, यही तो मोह है। मोह किसको बोलते हैं? जो नहीं है उसको मानते हैं, यही तो मोह है ही नहीं। जब शरीर ही हमारा नहीं है, ये भी फिजिकली माता ने दिया है और एक्चुअली कुदरत ने दिया है, और उसको चलाने वाला भी कुदरत है, हवा पानी खुराक भी कुदरत देती है, दिस इज नॉट अवर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, यस और नो? और जो कर्मों के संजोग आते हैं सुख दुख के, वो उसके भी क्रिएटर नहीं है, वी आर सफरर, वी आर नॉट क्रिएटर। मेरा पॉकेट काटे का संजोग मैं करूंगा, मेरे को अटैक आएगा संजोग मैंने बनाया, मैं गिर गया संजोग मैंने बनाया, लॉस हो गया संजोग मैंने बनाया, कोई अब्जोपति हो गया संजोग उसने बनाया, अगर वो बनाते हैं तो सब बना सकते हैं। एवरीथिंग इज द प्लान एंड देयर इज नो गारंटी एट ऑल, किसी को गारंटी दे भी नहीं सकते, भगवान भी नहीं दे सकते, गारंटी कैसे दे सकते हैं आप? रास्ता दिखा सकते हैं, कोई ऐसा कहेंगे कि भाई तुम
स्कूल में आओ, कॉलेज में आओ, मैं गारंटी देता हूँ कि तुमको ये पढ़ाई के बाद डिग्री मिलेगी, फिर तुमको 10 करोड़ तो कम से कम मिलेगा, गारंटी दे सकता है? भाई पढ़ो फिर मेहनत करो, गारंटी कौन दे सकता है बताओ मेरे को? हमारे प्राइम मिनिस्टर दे सकते हैं गारंटी? किसी को नहीं दे सकते, गारंटी कैसे दे सकते हैं? कोई भी नहीं दे, तीर्थंकर भी नहीं दे सकते हैं, तीर्थंकर दृष्टि दे सकते हैं, गारंटी कैसे दे सकते हैं? गारंटी का मतलब होता है वो तो फिर ओनर हो गया, समझ में आ गया? हाँ, किसी को नहीं दे सकते हैं। गारंटी का मतलब आई एम कंट्रोलर एंड डूअर, आप समझे? मैं अनुभव को पेश कर सकता हूं, आप कितना समझ सकते हैं, आप में कितना इंटरेस्ट है, और फिर आप किसका फॉलो कितना फॉलो करते हैं, वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है। क्या है इसमें? भगवान कुछ नहीं कर सकते हैं। श्रीमद रामचंद्र ने खुद ने बताया कि मेरे 900 भव हो गए, उन्होंने खुद ने बताया, किताब में लिखा है, लेटर में, अभी कोई माने ना माने अलग बात है, उन्होंने खुद ने लिखा है। तो हम अगर नहीं मानेंगे तो कहेंगे ये लिखने से क्या जरूरत है उसको, बेनिफिट तो लेना ही था, पब्लिक को बताना नहीं था, ये तो लेटर था, उसके मरने के बाद पब्लिश हुआ, उन्होंने तो कोई प्रेजेंट नहीं किया है, तो ये गलत क्यों लिखेगा? एग्जाम्पल देता हूं, ये किसी को लेटर लिखता है वो गलत क्यों लिखेगा? इनको ना पैसा चाहिए, ना मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना आपके पास से कुछ नहीं चाहिए, मगर जो जो कुछ बातें प्रश्न किया होगा इसका उन्होंने उत्तर दिया है। क्या दिया? अभी कहता हूं मैं बिलीव नहीं करूंगा, तुम वो क्या करेगा? कोई प्रूफ तो नहीं दे सकते, ये उनके विजन की बात है, आप समझे? तो फिर बताया उन्होंने, तो श्रीमद रामचंद्र जैसे भी ऐसे महान पुरुष जो थे, उन्होंने खुद ने कहा कि मैं आज से करीब 2600 साल पहले भगवान महावीर का अंतिम शिष्य था। क्या बताया? अंतिम शिष्य था, उन्होंने लेटर में लिखा है अपने फॉलोअर्स को, और वो भी पब्लिक नहीं, प्राइवेट, किसी को लेटर लिखते हैं ना ऐसा, किताब में नहीं लिखा है उन्होंने, और कहा क्यों मैं क्यों गिर गया, क्योंकि उनको तो 900 भाव दिखा था, तो वो तो आ गए, तो दिखाओ दिखा होगा ना। तब उन्होंने कहा उस समय में लघु शंका की आज्ञा नहीं लिया, ये गलती हो। अभी ये छोटी बात है, आप समझे कि मेरे को टॉयलेट जाना है इसलिए मेरे को आज्ञा लेना है, ये नियम था वो मैंने तोड़ दिया और गया, तो इसमें क्या जरूरत है आज्ञा लेने की, ऐसा मैंने उस समय माना। अभी हमको लगता है कि भाई आज्ञा तोड़ने से क्या अब भटक जाते हो? नहीं, ये बात तोड़ने की नहीं, व्हेन यू आर सरेंडर, मन वचन का है सरेंडर टू द पर्सन, और आपको आत्मा का अनुभव करना है, ये कंट्रोल आपके पास नहीं है, दोनों बात नहीं हो सकती, इसका भी कंट्रोल चाहिए, इसका भी अनुभव करना है, नॉट पॉसिबल। अभी आप जो कहेंगे, बोला आपको एक महीना नहीं खाना है तो मैं नहीं खाऊंगा, कोई बात नहीं, मेरे को अनुभव क्या करना है आत्मा का, कोई कह तू मर जाएगा, गुरु की बात है, उनको उनकी उन्होंने क्या कहा, अनुभव कितना कराऊंगा आत्मा का, इसका नहीं कराने का है, अभी वो क्या कहेगा आत्मा, इसको फॉलो करना है, इसको करना है, इसको करना है, इसको नहीं करना है, अनुभव इसका करना है, क्योंकि मेरा अहंकार था ये मन वचन काया मैं हूं, मन वचन काया को मैं चला रहा हूं, मन वचन काया की भुगतान मैं कर रहा हूं, ये सब भ्रांति का जो कोरवर है मेरे विजन में से मिटाना है। जब मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा, आचार्य भगवान ने कहा, तीर्थंकर भगवान ने, तुमको 5 दिन खड़ा होने का रहने का है धूप में, तो आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार जो डिस्चार्ज के लेके आए वो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, यूज टू नहीं है, मगर क्या कहूंगे, आत्मा का अनुभव करना है, परमात्मा की आज्ञा है, और इसका मालिक मैं नहीं, चलाने वाला मैं नहीं, बस तो मेरा माइंड सॉफ्टवेयर चेंज कर दो, मैं कंट्रोलर हूँ, मेरे को नहीं होगा, मेरे से होगा, होगा कि नहीं होगा, ये सब देख खत्म कर दो, आप समझे? क्योंकि जो मालिक ही भाव है, कर्ता भाव है, ये तोड़ने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट, वो भी मानते हैं कि मैं कंट्रोलर नहीं हूं, मगर आपका मन वचन काया का मैं कंट्रोलर हूं, मालिक हूं, चलाने वाला हूं, ये बिलीफ तोड़ना उसका नाम ही आ गया।
इनको आज्ञा देना कोई आनंद की बात नहीं है, आप समझे, आनंद की बात नहीं है। मगर आपके अहंकार को खत्म करने के लिए, कौन सा अहंकार, मैं शुद्धात्मा हूं पक्का करना है, मैं शरीर हूं, शरीर का कंट्रोलर हूं, शरीर का चलाने वाला हूं, शरीर की वेदना को भुगतान करने वाला हूं, शरीर के सुख को भुगतान करने वाला हूं, ये सब भ्रांति आपको सॉफ्टवेयर में करेक्शन करना पड़ेगा, तभी आप यहां से यहां आ सकते हैं। आपको सॉफ्टवेयर चेंज नहीं करना है, एक्शन करना है, फिर क्या होगा, बोला अट्ठाई कर दूंगा मैं, मगर आपने डूअर शिफ्ट किया, मैंने अट्ठाई किया तो अज्ञान तो वही का वही गया, सॉफ्टवेयर तो चेंज नहीं हुआ। यू अंडरस्टैंड, ये बेस, मैंने इसलिए मैंने कहा सॉफ्टवेयर की बात है, हार्डवेयर की बात है ही नहीं साइंस में, और हम हार्डवेयर को ही करेक्शन करना चाहते हैं, आप समझे, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। प्रश्न एक्शन का नहीं है, प्रश्न सॉफ्टवेयर चेंज करने का है। मेरा अहंकार है, मैं शरीर हूं, मैं शरीर को चलाने वाला हूं, शरीर से जो भुगतान होती है वो मैं करता हूं, और मैं ही सोचता हूं, मैं ही बोलता हूं, मैं ही करता हूं, सुख की भुगतान भी मैं करता हूं, दुख की भुगतान भी मैं करता हूं, ये पूरा जो पैकेज है, और पैकेज के पीछे जो मेरी बिलीफ है, बस वहां करेक्शन करना है सॉफ्टवेयर, हर प्रकार का, ये मैं हूं नहीं, ये चलाने वाला नहीं हूं, न मेरा मनोचन काय के ऊपर कंट्रोल है, और मनोचन काय जो भुगतान करती है वो भुगतान भी मेरा है, तो सुख दुख जो रिलेटिव सत्य है वो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। भाई तुम ऐसा करोगे तो मर जाओगे, तो बोला मैं कैसे मरूंगा, परमात्मा ने बताया तुम तो अमर हो, नहीं समझ में आया, तो मरेगा कौन, जो पैदा हुआ है वो तो नहीं मानोगे तो भी मरेगा, बोलते नहीं है तो मरना वो सब्जेक्ट थोड़ा है मेरा, मगर जीना है, इसलिए मरने का डर भी है। फिर कहते हैं मेरे को शाश्वत का अनुभव करना है, तो दो कैसे होगा, मिस्टेक इज इन अ सॉफ्टवेयर, ये इतना बड़ा शब्द निकला है कुदरती सॉफ्टवेयर, इससे बहुत सारे लोगों का काम होगा। पहले निकला था फॉर्मेट, फॉर्मेट ये अपने आप निकलता है, मैं कोई किताबें पढ़ पढ़ के नहीं बताता हूँ, और कुदरत को कोई परिवर्तन करना है तो मीडिया तो चाहिए कि नहीं, ये मीडिया है, ये मीडिया के पास ज्ञान नहीं है, ये तो प्रेजेंट करता है, क्या करता है, ये हार्डवेयर है, क्या है, विजन सॉफ्टवेयर है, ये तो हार्डवेयर है, जो बोलता है वो हार्डवेयर है, वो सॉफ्टवेयर नहीं है, विजन सॉफ्टवेयर है, वो लेके आया हूँ, और वो अपग्रेड भी होता है, आप समझे, तो ये विजन से बात ये हार्डवेयर से निकलती है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे शब्द जो है, वर्ड्स, की वर्ड्स, वो थिंकर पीपल को बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा, जो थिंकर होंगे, साइंटिस्ट होंगे, इनको मालूम होता है, ये बात पकड़ लेता है कि बात तो सही है, अगर सॉफ्टवेयर चेंज नहीं करोगे तो लाखों दर वही होंगे। प्रश्न एक्शन का नहीं, हार्डवेयर का नहीं, प्रश्न कहाँ है, सॉफ्टवेयर का, अगर वो नहीं करोगे तो लाखों दर वही होंगे। फिर कहता है लाखों दर मैंने ये कहा तो ये करोगे ना, इसमें गलती कहां है आपकी, जब सॉफ्टवेयर ही आपका यही है। तो कहने का मतलब हर बात में ऐसे समर्थ पुरुष, अनुभवी पुरुष और निर्लेप पुरुष, असंग पुरुष, इसको ब्रह्मांड दुनिया में से कुछ नहीं लेना है। ऐसे वैरागी पुरुष, वो अगर दुनिया के सामने कोई बात पेश करता है किसी के प्रश्न के उत्तर से, तो वो कुछ भी क्यों गलत कहेगा, व्हाट दे वांट, क्या चाहिए, क्या चाहिए परमात्मा तीर्थंकर भगवान को, कुछ नहीं चाहिए, वो गलत क्यों बोलेगा। तो बात हमको समझ में नहीं आता है, वो एक्सेप्ट है, मगर उनकी बात पर विश्वास रखना वो भी हमारा फर्ज है। आज हम क्या करते हैं, हर जगह क्या करते हैं, माँ बाप के ऊपर विश्वास, भाई बहन के ऊपर विश्वास, पति पत्नी के ऊपर विश्वास, टीचर के ऊपर विश्वास, प्रोफेसर के ऊपर विश्वास, कर्मचारी के ऊपर विश्वास, बॉस के ऊपर विश्वास, ट्रेन में बैठे हैं तो ड्राइवर के ऊपर विश्वास, बस में बैठे हैं ड्राइवर के विश्वास, विश्वास कहाँ नहीं रखना है आपको, बताओ मेरे को, बिना विश्वास आप जी सकते हैं,
अपना परिवार के ऊपर विश्वास नहीं बेटा तो रह सकते फिर जो कुछ भी हो जाए फायदा या नुकसान विश्वास रखना ही पड़ेगा। और कोई रास्ता अगर जीना है साथ में रहना है तो विश्वास तो हर जगह पे, तो ऐसा क्यों ना करें। हम यहां तो विश्वास रखते हैं और रखना पड़ता है बिकॉज ऑफ अवर सोशल लाइफ, तो परमात्मा की बातों पर क्यों विश्वास ना रखें, भले अनुभव नहीं है, क्योंकि आखिर हमको जाना है तो उस तरफ। आज नहीं तो दो अवतार, पांच अवतार, पचास अवतार, 500 अवतार के बाद भी एक बार तो जाना पड़ेगा जब अनुभव होगा तो, कि आखिर सुख है ही नहीं, तभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तो आज अगर 1% से भी बिगिनिंग करते हैं तो वेरी मिस्टेक, कहीं से तो करनी पड़ेगी ना। ऐसा नहीं है कि ब्याज, इसलिए मैंने कितनी बार कहा है कि आप ये मत समझो कि एक दो अवतार चार अवतार में मोक्ष हो जाएगा, 15 अवतार में मोक्ष हो जाएगा, ये बात मैं करता भी नहीं हूँ, कभी मैं नहीं करता हूँ अपने मुँह से। मैजिक नहीं दिखाना चाहता हूँ मैं, फैक्ट दिखाना चाहता हूँ और पुरुषार्थ के ऊपर वेट देना चाहता हूँ, आप समझे। मैजिक दिखा के क्या फायदा, आप समझे ना। एक दो अवतार में मोक्ष आएगा या 15 अवतार में मोक्ष हो जाएगा, वो मैजिक की जरूरत नहीं है। वो कहोगे तो लोग आएंगे, फिर क्या होगा, वास्तव में वो अलर्ट नहीं हो जाएंगे, वो साइलेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपने गारंटी दे दिया तो मैं कुछ भी करूं क्या तकलीफ है। तो ये करेक्ट नहीं है, इट इज अ टोटली पार्ट ऑफ 100% अवेयरनेस। यह ब्लेसिंग की बात नहीं है, यह कृपा की बात नहीं है, यह मेरे लिए और कोई पुरुषार्थ करेगा ये बात नहीं है। हमको ही जागना पड़ेगा और वो भी 1% से 100% तक। हेल्प समय समय पे मिलती रहेगी मार्ग पे, मतलब जागना तो हमको भी है, हमको ही है। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट बर्थ में महाविद्या क्षेत्र में चले जाए और सिमंदर स्वामी का दर्शन हो जाए तो 2-3 अवतार में मोक्ष से जाए, कोई गारंटी नहीं है। ऐसे लाखों लोग हो गए जिनका आज भी तीर्थंकरों का दर्शन करने के बाद भी हजारों अवतारों से वो जी रहे हैं, हजारों अवतारों से तीर्थंकर का दर्शन करके या तो दीक्षा लेके। तो प्रश्न दर्शन या दीक्षा का नहीं है, प्रश्न अज्ञान का है, की पॉइंट। और दुनिया चलती है रिलेटिव सत्य से, त्याग और भोग, बस ये आध्यात्मिक प्रश्न नहीं, ये सोशल है या धार्मिक है। क्या है, त्याग लेना या संसार को फॉलो करना, वो रिलेटिव सत्य है, वो सनातन सत्य है। दोनों प्रकार की प्रैक्टिस है। अगर आप संसार में जीना चाहते हैं सुख दुख के साथ भी, तो संसार में जियो, उसी प्रकार से आपको बेनिफिट या लॉस मिलेगा राग द्वेष। अगर आप त्याग होंगे तो उसी प्रकार से आपको सफल मिलेगा, वहां आपको और कठिनाइयां ज्यादा भी हो सकती है और आप उत्साह करके पुण्य भी कमा सकते हो। तो ये प्लस माइनस पॉइंट है, इसमें मुक्ति की बात नहीं है, एक धार्मिक है और एक सामाजिक है, आध्यात्मिक दोनों में से एक भी नहीं है, जहां तक सॉफ्टवेयर करेक्ट नहीं है बात है। मगर दोनों की अवस्था व्यवहार में अलग अलग है और इसीलिए हम इसको रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारा फर्ज भी है, आप समझे। तो हम इसको रिस्पेक्ट करते हैं, खाना पीना देते हैं, वो गलती नहीं है आपकी, वो आपने अपनी सोसाइटी में ऐसा बनाया हुआ है, तो करना चाहिए। साधु संत सन्यासी को हेल्प करना चाहिए अपने को, क्योंकि वो समाज के लिए जीते हैं, तो समाज को भी फर्ज होती है कि उनके लिए कुछ नेसेसिटी है वो प्रोवाइड करें, वो समाज की फर्ज होती है, वो बड़ी बात नहीं है। प्रश्न ये है कि हमको सॉफ्टवेयर चेंज करना है। श्रीमद राजचंद्र ने सिंपल बोल दिया, छोटे देहा ध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहरो एक धर्म नंबर, वही धर्म का मर्म है। मैं शरीर हूं, मैं कर रहा हूं, यही तो देहा ध्यास है, वही तोड़ना है। शरीर को तोड़ना नहीं है, साधनों को तोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, संबंधों को छोड़ना नहीं है, अज्ञान को तो निकालना पड़ेगा ना। जो मेरा नहीं है इसको मेरा मानता हूं, एक दिन तो समझना पड़ेगा कि मेरा नहीं है, दिस इज ओनली फॉर सफरिंग। यस और नो, आज पिताजी ने आपको जमीन दे दिया गुजरते समय,
दादाजी ने पिताजी को दिया था, फिर वो आपको मिला, अभी आप आपके बच्चे को दे देते हैं, इसमें प्रॉफिट क्या है, बेनिफिट क्या है? मेंटली कि मेरे पास 25 एकड़ जमीन है, बस क्या क्या पाना है आपको, क्या पाना है? अगर आपने बेच के पैसा ले लिया तो बैंक में रखने का है, कितना यूज कर सकोगे आप, समझे ना? और ये कलयुग है, कलयुग, कलयुग का मतलब ये है सेल्फिश, क्या बताया, हर इंसान सेल्फिश होता है, स्वार्थी, वो भी इसका स्वार्थी, इसका स्वार्थी होता है तो अच्छी बात है, रियल सेल्फिश हो है, तो काम निकल जाएगा। ये रिलेटिव सेल्फी है, मतलब सेल्फी का मतलब होता है उनकी सोच ही यहां तक है, क्या है आप सुन लें, सोच ही यहां तक है, सेल्फिश हो गया। तो जो पहले धार्मिक था या पुण्यशाली था या ह्यूमैनिटी वाला था, वो भी अभी गिर गया। ये भाई साहब ने बताया ना, आज इस कलयुग के अंदर क्रेडिट बनना आसान नहीं है, भाव कोई भी कर सकता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, क्रेडिट बनना आसान नहीं है, इंसान सेल्फिश हो गया, पहले ह्यूमैनिटी वाला था। ऐसा नहीं कि आपने हेल्प किया इसीलिए आपको क्रेडिट मिलेगी, नहीं किया तो भी क्रेडिट मिलेगी, आपकी सोच थे हे परमात्मा इनको दुख हुआ है वो दुख दूर हो जाए ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ, क्रेडिट मिलेगी। हे ये बच्चे को खाना नहीं मिलता है, भगवान मेरे पास तो खाना नहीं है, अगर उसको खाना मिले ऐसे में हृदय से प्रार्थना करता हूँ परमात्मा, बस क्रेडिट मिल जाएगी। कोई ह्यूमैनिटी थी ना, वो भी याद नहीं है, भी मेरे को क्या है, वो गिरा है तो उनका कर्म, यानी वो भी नहीं रहा जो बैलेंस बनने का जो इंस्ट्रूमेंट था कॉमन, वो भी नहीं रहा, गिर गया, नहीं रहा मतलब नॉट जीरो बट बहुत लो हो गया, आप समझे ना? इसीलिए कहते हैं कि जागृत हो जाओ धीरे धीरे, रास्ते अच्छे संयोग हो गए, बंद हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है, सोच नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है, आप कैसे कैसे परिपक्व होंगे? परिपक्व होने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए ना, एनवायरनमेंट में रहोगे उसी प्रकार से आप पुरुषार्थ करोगे, आपके पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि आप अपने आप पुरुषार्थ कर सके, इतनी कैपेसिटी आपने नहीं पाई है, आप समझे ना? अभी आपको हेल्प चाहिए, क्या चाहिए, डिपेंडेंट हो आप, जैसे समाज में डिपेंडेंट हो, धर्म में डिपेंडेंट हो, ऐसे आध्यात्म में भी डिपेंडेंट हो, अभी अभी आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुए हैं, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट इसको सपोर्ट नहीं करता है, तो आपको खुद को ही पावरफुल बनना पड़ेगा, देयर इज नो एनी अदर वे, आप समझे? और ये मत समझो कि ये आध्यात्म विज्ञान की बात जो है वो सिर्फ इतने लोगों के लिए है, ये विज्ञान करोड़ों लोग इसके ऊपर अपने आप रिसर्च करेगा, क्योंकि ऐसी बात सिंपल और फुल फॉर्म में कहीं सालों से निकली ही नहीं, जो बात निकली वो ग्रॉस निकली, क्या निकली, जो आम आदमी समझ नहीं सका, रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट, समझे? और धर्म गुरु ने पाप पुण्य की बात बताया, भी मुक्ति की बात ही छोड़ दो, कलयुग में मुक्ति है ही नहीं तो बात ही नहीं करने की, अभी कौन बताएगा, उन्होंने तो बंद कर दिया, और जैन धर्म के अलावा मोक्ष की बात भी नहीं है, आप समझे? तो उसमें भी अगर पाप पुण्य चला गया तो करेगा कौन, आपको जगाएगा कौन, किसको पड़ी है आपको जगाने की, किसको पड़ी है? तो ये बात समझना है, तो हमको कहीं से भी अपने ही पुण्य से ये संयोग मिला है, ये विज्ञान मिला है, और विज्ञान हमको लगता है कि सोच के आधार से तो सही लगता है, तो भी ट्राई टू गो अहेड, जैसे 1%, 2%, 3% जाओगे विज्ञान है तो आपको खुद को अनुभव होगा, इस मेरे को अनुभव देने की जरूरत नहीं है और दे भी नहीं सकता हूं, तो अनुभव के बाद तो मालूम होता है ना। आज मैं गर्व से कहता हूं कि हजारों लोग ऐसे हैं, लाखों तो नहीं बोलता हूं, हजारों लोग ऐसे हैं
जिन्होंने ये विज्ञान सिर्फ सुन के क्या बताया न मेरे को मिला है और यहाँ कोई फॉर्मालिटी नहीं है, यहाँ कोई रिचुअल्स नहीं है, आप समझे कि भाई आप मेरे पास आइए, ये फॉर्मालिटी को फिनिश करें और ये क्या कहेंगे रिचुअल्स को फॉलो करेंगे, बाद में धीरे धीरे होगा, ये तो सब देख नहीं है। तो ये सिर्फ सुन के मोबाइल का हो, टीवी का हो या तो यूट्यूब का हो, उसमें से सुन के लोगों का आप अनुभव देखोगे ना तो आपको लगेगा कि बिना मिले बिना कुछ किए भी वो अपना अनुभव बताते हैं। आप नहीं समझे, मिला भी नहीं है और कुछ फिजिकली फॉलो भी नहीं किया है, सिर्फ विज्ञान समझ के मेरे को ये अनुभव हुआ ये वो बता रहे हैं, सिर्फ समझ के, और वो भी सुना है प्रत्यक्ष तो नहीं। और ऐसा एक नहीं है, हजारों है, और देश में नहीं विदेशों में भी है, मतलब पढ़े लिखे भी लोग हैं। तो ये विज्ञान का पावर है, जितना उपयोग करोगे खुद को अनुभव होगा, ये मैजिक नहीं है, ये खुद की अनुभूति है, क्योंकि साइंस है। क्या है साइंस? साइंस में प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, आप खुद आगे बढ़ के अनुभव कर सकते हैं, आप समझे। और श्रद्धा में प्रमाण नहीं होता है, आपको श्रद्धा रखनी है, फिर मर जाओगे नेक्स्ट बर्थ में होगा और कुछ नहीं करना है श्रद्धा में आप क्या करोगे, साइंस में तो खुद अनुभव कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है धीरे धीरे ये विज्ञान को स्लोली स्लोली ग्रेजुएटली समझने की कोशिश करो, अपनी दृष्टि में फिट करो, प्रैक्टिकल लाइफ में दृष्टि से ही इसका यूज करो और सेपरेशन का एक्सपीरियंस करो, क्योंकि आप सेपरेट हो, सिर्फ क्या करना है अनुभव करना है। कैसे करना है छोटे छोटे एक दो एग्जांपल देके फिनिश करता हूँ, समय हो गया है तो। जैसे एक पिन ले लो और पिन को यहाँ लगाओ, पेन होगा, ठीक है। अभी हमको ऑब्जर्व करना है कि वेदना करने वाला मैं हूँ, शरीर है या अहंकार है। तब मालूम होता है शरीर के माध्यम से अहंकार अनुभव करता है कि मेरे को दुख हुआ, बाद में वो रिएक्ट करेगा जागृत भाग, जब सहन नहीं होगा तो स्वीकार नहीं होगा तो ये प्रोसेस को देखेंगे तो मालूम होगा कि वेदनीय कर्म वो मेरा स्वभाव नहीं है, ये प्रकृति का स्वभाव है और उदय कर्म के अधीन है और वो सुख दुख सिर्फ बिलीफ है। क्या है कहीं बुद्धिशाली मुझे को कहते कि स्वामी जी इसको लगेगा तो दुख होता है तो आप बिलीफ क्यों कहते हैं, इसको लगेगा तो दुख तो दुखी है ना। तो मैंने कहा जब इसको जला दिया जाता है तो क्यों दुख नहीं होता है, तो फिर ऐसा करता है टाटकी लगाई तो दुख लगा और जला दिया तो कुछ भी नहीं, यह सब नो। अगर उसका स्वभाव है तो उस समय भी उसको पेन होना चाहिए ना। तो आप साइंस समझने की कोशिश करो, ये स्थूल बातें नहीं है, आप समझे ना, ये फिजिकल बातें नहीं है। तो समझने में समय लगेगा मगर एक दिन तो समझना पड़ेगा ना, अगर आगे बढ़ना है तो कहीं से तो बिगिनिंग करना पड़ेगा कि नहीं। मैंने यही तो कहा मोदी साहब को कहीं से तो बिगिनिंग करना पड़ा ना। एक सवाल है, कहीं से बिगिनिंग करना पड़ेगा, अगर ये माने कि हमारी इस जन्म में आपसे जो ज्ञान सुना है उसमें कोई खास उपयोग नहीं हो रहा है, प्रगति नहीं हो रही है, तो आपसे ये जानना है कि नहीं पता पिछले जन्म में कौन से पुण्य इकट्ठे किए जिसके फलस्वरूप आपका ज्ञान सुनने को मिला और समझने को मिला, उसमें इंटरेस्ट भी आता है पर उपयोग में लाने की इच्छा नहीं है, शक्ति नहीं है या पुरुषार्थ करने की उसका भाव नहीं है, फिर भी आपका ये जैसा ज्ञान है वैसा हमें जन्मों जन्म तक मिलता रहे जब तक हम मोक्ष नहीं जाए तब तक, तो पता नहीं कौन से जन्म में हम पुरुषार्थ कर पाएंगे, उसका उपयोग कर पाएंगे। अगर इतना चाहते हैं तो इसकी कंटिन्यूटी इस तरीके से एंश्योर होगी या ये उपयोग किया नहीं है तो आगे कैरी फॉरवर्ड ये होगा नहीं और ये बैलेंस भी पता नहीं इस तरीके का इकट्ठा हो रहा है या नहीं हो रहा है तो ये सिलसिला खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा कहीं बीच में। क्वेश्चन बहुत अच्छा है,
भाई हमने सुना है, माना है, स्वीकार भी करते हैं, मगर एप्लीकेशन का हो या एक्सपीरियंस का हो या भाव को वो नहीं होता है। कुदरत का कानून है, अगर आप अज्ञान भी आपने सुना है वो स्वीकारा है तो वो काम करेगा, काम करेगा। आप नहीं मानते हैं तो भी एक बार अज्ञान फिर हो गया और आपने स्वीकार कर लिया कि गलत है तो भी वो ज्ञान काम करेगा गलत सही को पहचानने के लिए, वो भी ज्ञान है। तो इसलिए ज्ञान कभी निष्फल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? निष्फल नहीं होता है। हो सकता है जिस प्रकार से रिजल्ट आना प्राप्त करना चाहते हैं उतना रिजल्ट आने में समय लगेगा, वो मना नहीं करता हूं, मगर कभी निष्फल नहीं होगा। किसी का भी अज्ञान जब निष्फल नहीं होगा तो विज्ञान कैसे निष्फल हो सकता है? हाँ, जितना जितना समझ में आएगा इतना इतना आपको अनुभव होगा, उसमें बड़े समय लग सकता है, मगर बिल्कुल काम में नहीं आएगा ऐसा इम्पॉसिबल। जिन्होंने ये विज्ञान सुना है, चाहे मोक्ष में जाना है या नहीं भी जाना है, इनको भी यही विज्ञान का अनुभव होगा, क्योंकि ये विज्ञान सिर्फ मोक्ष के लिए नहीं है, सनातन सत्य को जान के अपने आप को मुक्त रहने के लिए है। मोक्ष में जाना न जाना वो तो रिजल्ट की बात है, वो नहीं मानूंगी तो भी मुक्तता की अनुभूति तो बंधन के साथ होगी ही, ये तो प्रत्यक्ष बेनिफिट है। क्या है? परोक्ष की बात नहीं है। जैसे जैसे आप विज्ञान से मन वचन काया की अवस्थाओं क्रियाओं से मुक्त होंगे आपकी दृष्टि से, और उसको जितना भी कुदरती रचना के रूप में देखते रहोगे, इतना आप अंदर से असरों से मुक्त रहोगे। ये तो साइंस है। और जितना अज्ञानता रहेगी कि मैंने विचार किया, मैंने जबान से ऐसा बोला, मैंने ऐसा क्रिया किया, उस समय जो आपको भुगतान होगी उसका असर ज्यादा होगा। अगर विज्ञान का उपयोग है तो वो एकदम माइंड हो जाएगा, तो इफेक्ट तो होगा ही, कहां जाएगा? तो आप जैसे गुरु और ज्ञानी हमको अगले जन्मों में भी मिलते रहेंगे, इसकी संभावना काफी ज्यादा है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप भाव करोगे तो होंगे, बिना भाव तो नहीं है, बिना बीज तो फल नहीं होता है।